ये तस्वीर तुसी सब ने देखी है, साडे घरां विच ये तस्वीर लगी होनी है। असी इस तस्वीर नूं गुरु नानक पातशाह जी की तस्वीर मानते हाँ, पर जे इस तस्वीर का असली इंसान तुहानूं दिखाईए तां तुहानूं किवें लगेगा? हाँ जी, बिल्कुल अजिहे ही वाल, दाढ़ी, नक की बणतर, परवट्टे, सारा कुछ सेम। जे तुसी तस्वीरां दे पुजारी हो, गुरु ग्रंथ साहिब दे हुक्म नूं नहीं मानते, तां फिर वीडियो इत्थे छड के चले जाओ। जे सिख हो, गुरु ग्रंथ साहिब नूं जागत जोत गुरु मानते हो, गुरु साहिबान दे दसे मार्ग ते चलण वाले हो, फिर ही वीडियो पूरी देखियो। गुरु नानक पातशाह जी का नवंबर विच प्रकाश गुरपुरब आ रहा है, तो पिंडां विच शहरां विच प्रभात फेरियां कढ़ियां जाणियां। इन्हां प्रभात फेरियां विच संगत गुरु साहिब की एक तस्वीर नूं भी अपने नाल प्रभात फेरी ते लिजांदी है, तो लोग उस तस्वीर नूं, उस फोटो नूं मत्थे टेकदे ने। बिल्कुल उहो जिही तस्वीर साडे घरां विच वी लगी होणी है, जिस नूं असीं गुरु नानक पातशाह समझ के नमस्कार करते हैं। अज असी दसांगे इस प्रचलित हुई तस्वीर का सच, जो गुरु नानक साहब की तस्वीर कह के प्रचारी गई और गुरु नानक के सिद्धांत तो उल्ट चलदियां सिखा ने जाने जा अनजाने विच इस मूर्ति भाव तस्वीर नूं पूजिया। पहली गल यह है कि सिख धर्म विच कागज़, पत्थर, मिट्टी, लकड़, कपड़ा, सीमेंट ते प्लास्टिक आदि तो तैयार कीतियां तस्वीरां जां मूर्तियां की पूजा करनी गुरमत मर्यादा दे उल्ट है। जिमें कि आम देवी देवत्या दियां मूर्तियां पूजिया जांदियां ने, सिक्खी विच अजिहा कोई भी कंसैप्ट नहीं है। पर साडी इह मूर्खता है कि सिक्खी विच इह मंदभागा सिलसिला रुकण दा नाम नहीं लै रहा। दरअसल जिस मशहूर चित्रकार शोभा सिंह ने यह तस्वीर बनाई सी, उसने गुरु नानक साहब नूं नहीं सी देखिया, बल्कि उसने अपनी कल्पना के आधार पर ही यह तस्वीर बनाई सी। अफसोस, असी इस तस्वीर नूं लंबे समय तो बाबे नानक की तस्वीर समझ के पूजी जा रहे हैं, जो बाबे नानक की विचारधारा के बिल्कुल उल्ट है। जिस समय शोभा सिंह वालों यह तस्वीर बनाई गई सी, उस समय इस तस्वीर की घुंड चुकाई दे होर कई विद्वाना दे नाल नाल भाई वीर सिंह नूं भी सद्दा दिता गया सी। पर जिवें ही भाई वीर सिंह ने इस तस्वीर तो परदा हटाया तां उहनां दा मन भर आया। भाई वीर सिंह उस समागम नूं विच्चों ही छड के बाहर आ गए सी। जदों उहनां नूं इस दा कारण पुछया तां उहनां आख दिता सी कि मेरा बाबा नानक इहो जिहा नहीं सी। इस घटना तो बाद भाई वीर सिंह ने चित्रकार शोभा सिंह नूं बुलाउणा तक भी छड दिता सी। सब नूं भली भांत पता है कि यह तस्वीरां मूर्तियां पूजना सिख धर्म का हिस्सा नहीं, पर इसके बावजूद सिखां दी सर्वोच्च संस्था श्रोमणी कमेटी ने भी इन्हां तस्वीरां नूं रोकण लई कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिस दा नतीजा यह निकलिया कि यह तस्वीरां हर घर, हर गुरद्वारे तक पहुँच गईयां। यह मंदभागा वरतारा हुण इन्ना ज़्यादा वध चुका है कि तस्वीरां दे नाल नाल गुरु साहिब दीआं मूर्तियां भी बाज़ारां विच वेचण लई पेश कर दित्तियां गईयां ने। किसी कल्पना दे आधार ते बनाई तस्वीर नूं गुरु नानक पातशाह की तस्वीर कह के पूजना बिल्कुल गलत है, तो सिक्खी मर्यादा दे भी उल्ट है। कुछ सिखां दा इत्थे कहना है कि इस बहाने असी गुरु साहिब दा एक रूप मन विच धार के उहनां नूं याद कर लैने आ, इस विच की माड़ा है? इसका जवाब यह है कि शब्द गुरु गुरबाणी तो सिख ने जीवन जाच सीखनी है, ना कि तस्वीरां नूं देख के। पता नहीं कदों सानूं इह समझ आवेगी कि जदों बाबे नानक की तस्वीर बनाउण वाले चित्रकार ने गुरु साहिब नूं नहीं देखिया तां फिर उस वल्लों बनाई तस्वीर नूं गुरु साहिब की तस्वीर किवें आख्या जा सकता है? अजिहियां तस्वीरां दे आधार ते ही लोकां ने गुरु नानक पातशाह ते फिल्मां विच किरदार बना के पेश कीते। यही तस्वीरां दे आधार ते गुरु साहिबान दीआं मूर्तियां बन गईआं जो कि हुण दुकानां ते विकदीआं ने। इस वीडियो नूं इन्ना शेयर करो कि हर सिख कोले वीडियो पहुँचे, सानूं पता लगे कि गुरु का हुक्म मूर्तियां जां फोटोआं चों परमात्मा की प्राप्ति करना नहीं सी, गुरु के शब्द चों अकाल पुरख नाल मिलाप करना सी, जिसनों भुल के असी इन्हां इंसान वल्लों बनाईआं फोटोआं पिछे लग चुके हैं। साडा मकसद सिख नूं फोटो नालों तोड़ना है ते गुरु के शब्द नाल गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़ना है। इस करके इस वीडियो विच असी ज़्यादा फोटोआं नहीं दिखाईआं, सिर्फ एक नॉर्मल स्लाइड शो चला के इस वीडियो नूं, इस जानकारी नूं तुहाडे तक पहुँचाया।